आपको क्या बोलूँ, कल आपको बहुत खुशी से बहुत खूबसूरत से सेलिब्रेट किए हैं, क्या तसर ओके है ना। यू नो और अब यहाँ दसरे बनाते हैं, कौन कौन से स्टेज में, कौन कौन भारत में कौन कौन स्टेज इसमें कौन कौन सी त्यौहार मनाते हैं, यू नो उनको पता है क्या? देखो केरल में ओणम, कर्नाटक में कौन से मकर संक्रांति, वो तो उत्तर भारत में ही मनाते हैं, होली भी उत्तर भारत में मनाते हैं, बिहू आसाम में मनाते हैं, ऐसे पोंगल तमिलनाडु में मनाते हैं, ऐसे और उनके उनके स्टेट में उन्होंने मनाते हैं, है ना। ऐसे ही हम हमारा नाड़ कर्नाटक में वो इधर वो दसरा है बहुत खूबसूरत से मनाते हैं, है ना, आपको पता है बच्चों ये बहुत खूबसूरत से मनाते हैं। ऐसे ही केरल में ओणम कैसे मनाते हैं आज थोड़ा जानकारी देंगे, और आपको पता है ओणम क्या होता है, किसके लिए मनाते हैं, ये आज आपको बताने जा रहे हैं। आप सुनते हैं ना आज हम बहुत तो आनंद है, हाँ नेक्स्ट वीक को आपको एग्जाम भी आता है, एग्जाम के लिए भी आप पढ़ना है, उसके साथ ये थोड़ा लेसन भी देखो, पेज नंबर 27 लेसन नंबर 6 ओणम का त्यौहार। ओणम का त्यौहार किसके लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, हम जानकारी मैं आपको दूंगी, आप सुनेंगे, है ना बच्चों, है ना ओके। चलो आप रेडी, मैं भी पढ़ने के लिए रेडी, आप सुनने के लिए रेडी हो जाओ। चलो मैं पढ़ती हूँ, आप देखो। दादी अनु अनु पूछती है, दादी ओणम का त्यौहार कहाँ मनाते हैं? दादी बेटी ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है, अनु इसे कब मनाते हैं? दादी इसे हर साल सितंबर में मनाई सितंबर महीने में मनाते हैं, अनु दादी यहाँ त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? दादी यहाँ त्यौहार महाबली नाम के राजा के सम्मान में मनाते हैं, होली लोग इसे फसल और उपज के लिए भी मनाते हैं, ओणम 10 दिन तक मनाया जाता है, अनु वहाँ कैसे मनाते हैं? दादी जिस तरह से दशहरे में 10 दिन पहले रामलीलाओं का आयोजन होता है उसी तरह ओणम से 10 दिन पहले घरों को फूलों से सजाने का कार्यक्रम चलता है, पहले 8 दिन फूलों की सजावट का काम होता है, 9वें दिन घर में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई जाती है, उसके पूजा की जाती है, रात को भगवान गणेश तथा श्रवण देवता की मूर्ति मनाई जाती है, वामन अवतार के गीत गाए जाते हैं। चलो इतना ही बस, कल आगे के लेंगे कल की क्लास में, आज और एक बार पढ़ूंगी, आप सुनो देखो। चलो अरे लिसन अनु, दादी ओणम का त्यौहार कहाँ मनाते हैं? दादी बेटी ओणम का त्यौहार केरल का प्रमुख त्यौहार है, अनु इसे कब मनाते हैं? दादी इसे हर साल सितंबर महीने में मनाते हैं, अनु दादी यहाँ त्यौहार क्यों मनाया जाता है? दादी यहाँ त्यौहार महाबली नाम के राजा के सम्मान में मनाते हैं, होली इसे लोग इसे फसल और उपज के लिए भी मनाते हैं, ओणम 10 दिन तक मनाया जाता है, वहाँ कैसे दादी? दादी जिस तरह से दशहरा के 10 दिन पहले रामलीलाओं का आयोजन
होता है, उसी तरह ओणम से 10 दिन पहले घरों को फूलों से सजाने का कार्यक्रम चलता रहता है। पहले 8 दिन फूलों की सजावट का काम होता है, 9वें दिन घर में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। राजा को भगवान गणेश का श्रवण देवता की मूर्ति बनाई जाती है, वामन अवतार के गीत गाए जाते हैं। चलो इसे सरल मीनिंग में बताती हूँ, आप सुनो। ओके, आप सुने हैं ना, घर में ये पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, आपको याद है। चलिए, ये ओणम क्या, और छोटा सा है ये ओणम, केरल के प्रमुख त्यौहार। कैसे ये प्रमुख त्यौहार है, इम्पोर्टेंट त्यौहार क्यों होता? त्यौहार मीन्स फेस्टिवल, त्यौहार में फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, ये फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, आज इसके लिए थोड़ा जानकारी देंगे। अनु दादी, ओणम का त्यौहार कहाँ मनाते हैं? अनु ये छोटी सी लड़की दादी से पूछती है, ओणम त्यौहार कहाँ मनाते हैं, विच स्टेट में ओणम त्यौहार मनाते हैं, विच स्टेट में? वो कौन बोलती है, छोटी सी अनम पूछती है क्वेश्चन। दादी, ओणम का त्यौहार, ओणम त्यौहार केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, ये कहाँ मनाते हैं, विच स्टेट में, स्टेट में ये ओणम का त्यौहार मनाते हैं? दादी, बेटी ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है, ओणम केरल का, केरल स्टेट का प्रमुख इम्पॉर्टेंट त्यौहार फेस्टिवल है। कहाँ के फेस्टिवल है, ओणम केरल स्टेट का प्रमुख इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ना, हमें कपड़े पाइए त्यौहार फेस्टिवल में। चिल्ड्रंस, आपको, आप सबको ये आल्सो बहुत योजन इम्पॉर्टेंट देने का काम, नए क्लॉथ किसके लिए इम्पॉर्टेंट देते हैं, नए क्लॉथ, नया न्यू क्लॉथ आता है। ओके, नेक्स्ट दसरा आता है, अब 10 डेज में, बिफोर 10 डेज आपको, और दीपावली है, दीपावली में क्या देंगे, ये सब आपको याद रहते ना, ऐसे ही है इम्पोर्टेंट ओणम केरल स्टेट का प्रमुख त्यौहार है। अनु, इसे कब मनाया जाता है, कब कहाँ कब मनाया जाता है, नेक्स्ट कब कहाँ मनाया जाता है, अब वो केरल में मनाता है, कब वेल ये सेलिब्रेट करते हैं, विच महीने में, विच मंथ में ये सेलिब्रेट करते हैं? अनु पुष्टि है, दादी इसे हर साल सितंबर महीने में मनाता है, कुछ कहाँ सर दिसंबर में ये त्यौहार मनाते हैं, ये फेस्टिवल कब मनाते हैं, दिसंबर में ये फेस्टिवल मनाते हैं। दादी इस हर साल सितंबर में मनाया जाता है, हर साल एवरी साल एवरी ईयर दिसंबर में, दिसंबर मंथ में ये त्यौहार मनाते हैं। अब दादी यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, वाई यू आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल? दादी और ग्रैंड मदर, वन पूछते ग्रैंड मदर, यहाँ त्यौहार इस त्यौहार इस फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है, वाई सेलिब्रेशन, कई कई क्यों सेलिब्रेशन करते हैं, क्यों, एक रीजन रहता है ना, एक फेस्टिवल। अब दीपावली को माँ बलिंद्र वो आता है, उससे ये बनाते हैं, दशहरे को हर एक क्या वन देवताओं को प्रेयर करते हैं, 9 डेज हम प्रेयर करते हैं, इसलिए गौरी के ईद, गणेश के ईद इम्पोर्टेंट, गौरी गणेश इस यहाँ आते हैं, इसलिए एक ईद को महावीर शिवरात्रि शिव शिवा के लिए, ईश्वर के लिए, ऐसे ही अनेक फेस्टिवल को एक एक ना एक इम्पोर्टेंट रहता है, ऐसे ही ओणम क्यों मनाते हैं, क्यों ये हर साल मनाते हैं, गानो पुष्टि, इसलिए दादी कहती है यहाँ त्यौहार महाबली नाम के, महाबली कौन है आपको पता है, विष्णु के, विष्णु के अवतार में आता है ये महाबली, एक राजा था और उसका छोटा सा एक कहानी, राजा महाबली वो बहुत घमंड से अधिकार चलाता था, इसलिए उसका बहुत दान देने देने का, दान करने का बहुत आस्था, इसलिए विष्णु एक
अवतार में आकर उसे 3 फुट आंगन पूछते हैं, पूछने से 1 फुट वो सारी इसके कमाए हुए ज्यादा और 1 फुट उसके आकाश भूमि सब और 1 फुट रतना वो क्या पूछता है मेरे सर पर रखो, वो तब ये क्या वो भूमि के अंदर चले जाता है। ये आने के लिए क्यों, ये कब आने का, भाई ये सब हो गया आप मैदान देने हैं, अब मैं सब लोगों को कब देखना है, मैं ये सब लोगों को देखने के लिए एक अवकाश दीजिए नारायण पूछने पर महाबलि को। ये ओणम के त्यौहार में तुम आओ, ये तुम्हारे आने का स्वागत के लिए ये बनाया जाता है, कहा है वही ओणम की एक छोटा सा कहानी। हाँ, महाबलि एक नाम, महाबलि एक राजा था, एक किंग का नेम महाबलि, और राजा के सम्मान सम्मान के सम्मान मनाते हैं, वो सम्मान या उसे एक गौरव देना, हाँ उसे एक आदर करना, इसलिए महाबलि हर एक साल को आने हैं, इसलिए वो आने का स्वागत वेलकम करने के लिए हम ये क्या महाबलि राजा का वेलकम करने के लिए त्यौहार मनाते हैं। लोग इसे फसल क्रॉप आपको पता है ना, क्रॉप और ईल्ड ईल्ड ये उपज कहते हैं, ईल्ड के लिए भी मनाते हैं लोग, पब्लिक क्या कहते हैं एक क्रॉप और ईल्ड के लिए ये मनाते हैं, ये सेलिब्रेशन करते हैं। ओणम 10 दिन तक मनाए जाते हैं, 10 डेज ये फेस्टिवल मनाते हैं, 10 डेज इस फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते हैं। अब वहाँ कैसे दादी टिंडिस क्या क्या करते हैं, हर एक दिन एवरी डे क्या क्या है ये सेलिब्रेशन करने का विशेषता, विच डे ये सेलिब्रेशन करते हैं, क्यों करते हैं, वाई यू सेलिब्रेशन कैसे करते हैं, और हाउ कैसे और डिफरेंट ऑफ दिस फेस्टिवल पूछते हैं कौन अनु। तब दादी कहती है जिस तरह से दशहरा में 10 दिन पहले रामलीलाओं का आयोजन होते हैं, ये दशहरा में 10 डेज क्या करते हैं अरेंजमेंट करते हैं किसके लिए, रामलीलाओं के लिए अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे ही ओणम के 10 दिन पहले घरों को फूलों से सजाने का कार्यक्रम करते हैं, घरों को हाउस को फूलों के तरह फ्लावर्स से क्या करते हैं सजाते हैं, सजाते हैं अरेंजमेंट करते हैं, है ना। हम अब बच्चों आए हैं तो हम क्या करते हैं नए क्लॉथ लेते हैं, घर को सजाते हैं, लीपते हैं, सब करते हैं, पेंट करते हैं, सब करते हैं ना, ऐसे ही फूलों से फ्लावर से आयोजन अरेंजमेंट करते हैं। किस दिन बिफोर 8 डेज घरों का देखो यहाँ पहले 8 दिन बिफोर 10 डेज केवल फ्लावर से अरेंजमेंट होता है, 9 डेज को दिन में भगवान इष्ट की मूर्ता देते हैं, ये डॉल अगर 9th डेज पर वो क्या करते हैं भगवान इष्ट के आइडल लेकर आकर आइडल ले लेकर तो मनाते हैं, वो पूजा करते हैं, उसके पूजा की जाती है रात को, उसी रात को 9-10 के दिन रात को नाइट को भगवान गणेश भगवान गॉड लॉर्ड गणेश यानी लॉर्ड श्रवण देवता की आइडल आइडल बनाते हैं, उसे बनाते हैं लाते हैं, वो 10 डेज होने के बाद उसी दिन वामन अवतार के वामन अवतार में नारायण के 3rd अवतार का वामन अवतार है, वामन अवतार की सामु बहुत अच्छा गाते हैं गाते वाचन करते हैं। ये 10 डे फेस्टिवल केवल कैसे मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कहाँ विच स्टेट में मनाते हैं, क्यों वही सेलिब्रेशन करते हैं, ये वो ओणम का किस नाम पर विच नेम पर वो मनाते हैं, और इसमें क्या क्या आयोजन होता है, क्या क्या इम्पोर्ट देते हैं इसे, ये आयोजन
अरेंजमेंट क्या होता है, ये पूरा अरेंजमेंट कैसे करते हैं, इम्पोर्टेंट किसे देते हैं, ये सबको इस दिन से में आता है। आगे इसे कौन कौन से पकवान फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या कार्यक्रम होता है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको सुनाती हूँ। ओके, आज के लिए इतने ही, बस आज की क्लास समाप्त करती हूँ। ओके, थैंक यू।